दोस्तों आज इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की सबसे ग्रेटेस्ट मानी जाने वाली जो ट्रेजेडीज है उनके बारे में बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही वीडियो में कई प्लेज को कैसे कवर करेंगे, तो दोस्तों आप सही है क्योंकि शेक्सपियर के प्लेज आमतौर पर 5 अंकों के होते हैं और जिन पर डिस्कशन करने के लिए हर एक के लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। अकेले हेमलेट को ही जिसे शेक्सपियर का सबसे बड़ा प्ले माना जाता है उसमें 4000 से भी ज्यादा लाइनें हैं, जिसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए 4 घंटों से भी ज्यादा समय लगता है। दोस्तों उनके लगभग 10 प्लेज को ट्रेजेडी समझा जाता है, जिनमें के जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज मानी जाते हैं उन 4 प्लेज के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। वो है हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और ओथेलो। इन 4 प्लेज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और हर एक नाटक की सेंट्रल थीम इस पर मैं फोकस करूंगा, ताकि बाद में जब आप हर एक नाटक को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। तो चलो हम शुरू करते हैं हेमलेट से। दोस्तों हेमलेट इस नाटक को 1599 से 1600 के बीच में लिखा गया था। इसकी सेटिंग डेनमार्क रखी गई है और इस नाटक के प्रमुख पात्र इस प्रकार है। हेमलेट ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, जिसके पिता किंग हेमलेट थे। क्लॉडियस ये किंग ऑफ डेनमार्क है, जो किंग हेमलेट यानी प्रिंस हेमलेट के पिता मरने के बाद वहां का राजा बनता है। गर्टूड ये क्वीन ऑफ डेनमार्क है और प्रिंस हेमलेट की माँ है। अपने पति किंग हेमलेट की मृत्यु के बाद उसने किंग क्लॉडियस से शादी कर ली है। उसके बाद है पोलोनियस, यह एक दरबारी है और हेमलेट की प्रेमिका ओफेलिया के पिता है। ओफेलिया हेमलेट की प्रेमिका है। लेरेटस ये पोलोनियस के बेटे है और ओफेलिया के भाई है। होरेशियो ये हेमलेट का बहुत ही अच्छा दोस्त है। अब इस प्ले की मेन स्टोरी लाइन क्या है? दोस्तों ये एक रिवेंज प्ले है, जिसमें हेमलेट अपने चाचा क्लॉडियस को मारना चाहता है, क्योंकि डेनमार्क का राजपाट हासिल करने के लिए क्लॉडियस ने हेमलेट के पिता यानी किंग हेमलेट की हत्या की थी और उसके माँ से यानी गर्टूड से शादी कर ली थी। इसके बाद दूसरा प्ले देखेंगे किंग लियर। ये 80 साल के ब्रिटेन के राजा की कहानी है। वो अपने 3 बेटियों से सवाल करता है कि उससे सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है। नाटक की कहानी इसके साथ ही आगे बढ़ती रहती है। आखिर में गलत डिसीजन से वो पागल हो जाता है और मर जाता है। कॉर्डेलिया लियर की सबसे छोटी बेटी है। वो अपने पिता से सबसे ज्यादा प्यार करती है। बाद में उसकी फ्रांस के राजा से शादी हो जाती है और उसकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। गोनेरिल लियर की सबसे बड़ी बेटी है। ये ड्यूक ऑफ अल्बानी की वाइफ है। अपने बहनों से वो बड़ी जेलस में रहती है। बाद में वो खुदकुशी कर लेती है। रिगन लियर की दूसरी बेटी है। ये ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल की वाइफ है। इसका स्वभाव गोनेरिल जैसा ही है। बाद में गोनेरिल ही उसे जहर देकर मार देती है। अब अगला कैरेक्टर है ग्लौचेस्टर। ये एक दरबारी है और राजा लियर का दोस्त और एडवाइजर भी है। एडगर ये ग्लौचेस्टर का बेटा है। उसका भाई एडमंड पहले उसे मूर्ख बनाता है, बाद में एडगर एडमंड को मार देता है। एडमंड ये ग्लौचेस्टर का नाजायज बेटा है। वो अपने पिता का अकेला वारिस बनना चाहता है, इसलिए वो अपने पिता और भाई को हमेशा झूठ बोलते रहता है। बाद में अपना भाई यानी एडगर के हाथों वो मारा जाता है। इसके बाद नाटक में कैंट, अल्बानी, कॉर्नवाल, फूल, ओसवाल्ड ऐसे कुछ और पात्र आते रहते हैं। दोस्तों किंग लियर ये गुड और इविल के संघर्ष की कहानी है। राजा लियर अपनी सत्ता और जमीन को अपने 3 बेटियों में बांटना चाहता है, पर उसकी शर्त यह है कि वो जानना चाहता है कि उनमें से सबसे ज्यादा उससे कौन प्यार करता है। उसकी 2 बड़ी बेटियां जो होती है वो बढ़ा चढ़ा कर अपना प्यार जताती है, लेकिन सबसे छोटी जो होती है कॉर्डेलिया वो ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन असल में वही राजा से सबसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन लियर पूरा राज्य अपने 2 बड़ी बेटियों को दे देता है। इस तरह की यह कहानी है। उसके बाद अगला नाटक जो है वो है मैकबेथ। इसके कैरेक्टर्स हम देख लेंगे। मैकबेथ यह इस नाटक का प्रोटैगनिस्ट है। वो स्कॉटिश जनरल है। पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमते रहती है। वो राजा डंकन को मार देता है। आखिरी में उसकी भी ट्रेजिक डेथ हो जाती है। बंको ये नाटक के शुरुआती पार्ट में मैकबेथ का साथी बताया गया है। बाद में जब डंकन की डेथ हो जाती है तब उसे मैकबेथ पर शक होता है, लेकिन मैकबेथ उसे बाद में मार देता है।
द थ्री विचेस, ये विचेस मैकबेथ और बैंको को उनका भविष्य बताती है। लेडी मैकबेथ ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये मैकबेथ की वाइफ है और डंकन की हत्या में वो मैकबेथ का साथ देती है, बाद में वो पागल हो जाती है। मैकडफ ये पहले तो मैकबेथ का लॉयल होता है, लेकिन डंकन और बैंको की मृत्यु के बाद वो मैकबेथ की असलियत को पहचान लेता है और उसके खिलाफ हो जाता है। दोस्तों ये पूरी कहानी एम्बिशन के लिए हुए संघर्ष की है। सत्ता को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार मैकबेथ को इस कहानी उसके सब बिहेवियर के लिए ट्रेजिक डेथ तक ले जाती है। इसके बाद अगली जो प्ले है वो है ओथेलो। ओथेलो एक मिलिट्री ऑफिसर है और डेस्डेमोना से प्यार करता है, उससे वो शादी भी करता है। हालांकि डेस्डेमोना उससे उम्र में बहुत छोटी है। डेस्डेमोना एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती है, वो ओथेलो से शादी करती है। वो एक अच्छी स्त्री है और हिम्मतवान भी है। कैसियो ये ओथेलो का लेफ्टिनेंट है और ओथेलो से कई मायनों में वो अलग है। ओथेलो को शक है कि कैसियो का उसकी पत्नी डेस्डेमोना के साथ संबंध है, लेकिन असल में वैसा नहीं है। इयागो ये नाटक का एक विलन है और वो बड़ा ही धोखेबाज व्यक्ति है। उसे अपनी पत्नी इमिलिया पर ओथेलो की बुरी नजर है, ऐसा उसका शक है। उसके बाद इमिलिया ये इयागो की पत्नी है, वो अपने पति के दुर्गुणों से परिचित नहीं है। वो डेस्डेमोना के यहाँ काम करती है और उससे वो बहुत ही लॉयल है। इसके साथ प्ले में ब्रेबेंशियो, ड्यूक ऑफ वेनिस, सीनेटर्स ये और भी कुछ अन्य पात्र हैं। आखिर में इस प्ले के थीम्स के बारे में अगर हम बात करें तो जेलसी, डिसेप्शन यानी धोखाधड़ी और रेशियल प्रेजुडिस ये इसके मेन थीम्स हम कह सकेंगे। ओथेलो एक ब्लैक है। इयागो जो एंटागोनिस्ट है इस नाटक का, वो ओथेलो से नफरत करता है और आखिर में इयागो के भड़काने पर ही ओथेलो अपनी पत्नी डेस्डेमोना को मार देता है और फिर खुद भी खुदकुशी कर लेता है।